हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल. माय सेल्फ खुशबू सिंह. आज मैं आप सभी के लिए हेवी साड़ी की ड्रेपिंग के लिए 11 टिप्स लेकर आई हूं, जो कि बहुत यूजफुल है. स्टार्ट करते हैं हम अपनी टिप्स नंबर 1 से. हेवी साड़ी के नीचे आपको किस टाइप का पेटीकोट पहनना चाहिए जो कि परफेक्ट होगी. तो आज हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे फिश कट पेटीकोट की नॉर्मल पेटीकोट से. तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिश कट पेटीकोट में ना कमर के पास इलास्टिक बैंड और डोरी दोनों ही है, लेकिन नॉर्मल पेटीकोट में सिर्फ हमें डोरी मिलती है, जिसकी वजह से जब हेवी साड़ी की प्लीट्स बनाकर हम टक करते हैं तो नॉर्मल पेटीकोट थोड़ी सी लटक सी जाती है, जबकि फिश कट अपने जगह पे ही बिल्कुल सही रहता है. तो मैं तो रेकमेंड करूँगी फिश कट पेटीकोट आपके लिए हेवी साड़ी के लिए परफेक्ट रहेगा. टिप्स नंबर 2 है, जिनकी हाइट कम है वो हमेशा हील्स पहन कर ही साड़ी ड्रेप कीजिए. अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो रिजल्ट आप देख सकते हो क्या होगा. यहाँ पे मैंने विदाउट फुटवेयर अपनी साड़ी पहन ली, बट जैसे मैं इसके साथ अपनी हील्स ऐड करूँगी ना, आप देख सकते हो हील्स की जो ऊंचाई है पीछे की साइड से बिल्कुल पता चल रही. इसीलिए आप हमेशा हील्स पहन कर ही अपनी साड़ी को ड्रेप किया कीजिएगा. चलिए बढ़ते हैं टिप्स नंबर 3 की तरफ. तो अगर आपको नहीं पता चलता है कि हेवी बॉर्डर वाली साड़ी में किस टाइप की ब्लाउज पहने, थर्ड क्वार्टर स्लीव पहने या शॉर्ट स्लीव पहने, तो आप देख सकते हो लुक. अगर आपको कहीं पे बैलेंस करना हो, नहीं चाहते हो कि ज़्यादा हेवी साड़ी की जो लुक है वो पता चले, तो आप शॉर्ट स्लीव पहनिएगा. और हाँ, अगर लुक और भी ज़्यादा आप हेवी करना चाहते हो, भड़कीला करना चाहते हो, तो थर्ड क्वार्टर स्लीव बेस्ट रहेगी. टिप्स नंबर 4 है कि आप ऐसी हेवी साड़ी की जो सेंटर प्लीट है उसको कैसे बनाओ, क्योंकि नीचे की साइड पे तो बहुत हेवी यहाँ पे वर्क की हुई है, तो अगर हम प्लीट्स बनाने जाएंगे तो पूरा वेट हाथों में ही आ जाएगा और फिर पूरी प्लीट्स छूट जाएगी. तो सिंपली आपको करना क्या है, जितना भी आपको फैब्रिक में प्लीट्स बनाना है उनको रफली गैदर कीजिए, देन अपने पेटीकोट की डोरी में टक कर दीजिए. आगे वाला साइड आप निकाल लीजिए क्योंकि उसमें हमें प्लीट्स बनाना ही है. प्लीट्स बनाने के लिए आप अपने जो राइट हैंड है ना, उसकी उंगलियों को कुछ ऐसे थोड़ा सा फैला करके इसको ऐसे सेट कीजिएगा, और फिर अंगूठे और कॉर्नर की दो उंगलियां आपस में मिला करके बीच वाली दो उंगलियों को फ्री कर दीजिएगा. अब आपको अपनी फैब्रिक पे ना कुछ इस तरीके से उसको सेट करना है. ये बहुत ईजी प्रोसेस है और किसी भी फैब्रिक की साड़ी क्यों ना हो, आप उसमें आसानी से इस प्रोसेस से ना प्लीट्स बना पाओगे. तो सिंपली हमें इसमें प्लीट्स बनानी है, चौड़े चौड़े प्लीट्स ही बनाएगा क्योंकि नीचे की साइड पे हमारी बॉर्डर काफ़ी चौड़ी है, तो इसीलिए पूरी प्लीट्स एक जगह पे बनी रहेगी. इससे फिर क्या कीजिएगा कि राइट की जो फर्स्ट प्लीट होगी ना उसको चौड़े कर दीजिएगा. दैट्स इट, बन गया हमारा सेंटर प्लीट काफ़ी आसानी से. चलिए बढ़ते हैं अपने टिप्स नंबर 5 की तरफ. तो इसमें ना कई बार बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि राइट की जो फर्स्ट प्लीट होती है ना वो काफ़ी ऊंची हो जाती है और सेंटर पे भी कोई प्लीट्स ना सही से नहीं बैठ पाता है. तो हमें केवल ना इसको जब हम टक कर रहे होंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम टक करेंगे तो पूरी प्लीट एक साथ नहीं करेंगे, ठीक है. जो हमारा राइट का पहला प्लीट का लेयर होगा ना पहला, उसको हम छोड़ देंगे, फिर पीछे की जितनी भी प्लीट्स हैं उनको पीछे की फैब्रिक से बराबर पकड़ेंगे और फिर नीचे की लेंथ को मेज़र करेंगे और फिर अपनी बेली बटन के पास इनको टक कर देंगे. अब ये जो फैब्रिक हमने निकाला था ना, इसको हम नीचे की साइड से बिल्कुल बराबर मेज़र करते हुए एंड में टक करेंगे. तो बस सेंटर प्लीट की टकिंग के टाइम ये बात आप ध्यान में रखिएगा, उसके बाद जो प्रॉब्लम आपको आती थी वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी. टिप नंबर 6 है कि आप अपनी परफेक्ट फिटिंग हिप प्लीट्स के साथ कैसे बैठोगे नीचे, क्योंकि मैं तो आपको बता देती हूँ कि प्लीट्स कैसे बनाना है, बट ऐसे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि हमें बैठना कैसे है. तो आप क्या करोगे, पैरों को पहले क्रॉस कर दीजिएगा, फिर हिप प्लीट वाला जो फैब्रिक का साइड होगा ना थोड़ा सा उसको उठाइएगा, वो पीछे से लूज हो जाएगा, देन बैठिएगा. जब आप खड़ा होगे तो आप अपनी सेंटर प्लीट को थोड़ा झटक दीजिएगा जिससे पूरी शेप ना परफेक्ट आ जाए. चलिए टिप्स नंबर 7 है कि ऐसी हेवी भारी भरकम पल्लू में प्लीट्स कैसे बनाएं. तो देखिए, अगर आपकी भी एंड वाली जो बॉर्डर है, सबसे नीचे वाली बॉर्डर, वो ऐसी ही है, काफ़ी सुंदर है, तो उसको हाइड मत कीजिए प्लीट्स में कभी नहीं. हमेशा कोशिश कीजिए कि जो बॉर्डर है आपकी उसको थोड़ा सा चौड़ा कर दीजिए और फिर पीछे में जो बनने वाले प्लीट्स होंगे ना उसकी चौड़ाई कम कर दीजिएगा. ज़रूरी नहीं है कि अगर एंड वाली बॉर्डर हम काफ़ी चौड़े रख रहे हैं तो पीछे की भी जो प्लीट्स बनेंगी वो चौड़ी ही आएंगी. नहीं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप उसको इस तरीके से ना पतली पतली भी अरेंज कर सकते हो और इसकी वजह से शोल्डर पे जो प्लीट्स आएगा वो बहुत घनी आएगी और सामने की साइड से बॉर्डर भी हमारा बिल्कुल हाइड नहीं होगा, तो इससे साड़ी की भी लुक बनी रहेगी और प्लीट्स भी बहुत अच्छे आ जाएंगे. टिप्स नंबर 8, भारी पल्लू को कंधे पे कैसे पिन लगाएं. तो सिंपली आप इसको ना अपने शोल्डर पे रखिए, उसके बाद पहले वाला जो हमारा भारी भरकम बॉर्डर है उसको हम साइड कर देंगे और उसके नीचे जितनी भी प्लीट्स आ रही हैं
उसके ऊपर से ही हम यहाँ पिन लगा देंगे। तो इससे आपको ज़रूरी भी नहीं होगा कि आप अपनी ब्लाउज़ की साइड से पिन लगाएं, और ये भी नहीं होगा कि हाँ जहाँ पे ज़्यादा स्टोन वर्क है वो आपको पिन में ऐड करना ही करना है। तो बस ये ट्रिक यूज़ कीजिएगा, आपकी हेवी से हेवी पल्लू बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाएगी। टिप्स नंबर 9 कि ऐसी हेवी पल्लू को सर पे कैसे ले, वो भी बिना हेयर एसेसरीज के, बिना किसी क्लिप के मदद के। तो सिंपली आपको क्या करना है कि ये वाली जो प्लीट आप देख रहे हो ना, इसको आप कुछ मत कीजिए, बस उल्टा करके सामने की तरफ ले जाइए। अब सिंपली आप जिस साइड को अपने सर पे रखते हो ना, उसको आप ऐसे सीधा लेकर आइए, और फिर जो साइड में आपकी ये जो प्लीट आ रही है इसको आप हल्का सा खींच करके सामने की तरफ ले जाइए, और इसको हमें अपनी ब्लाउज के साथ यहाँ पे एक पिन से अटैच करना होगा। अब मैंने आगे वाला जो मेरा प्लीट था ना, सबसे फर्स्ट वाला प्लीट आप देख सकते हो जो बिल्कुल शोल्डर से टच है, मैंने उसको थोड़ा आगे कर दिया ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए और लुक भी हमारा खराब ना लगे। अब है टिप्स नंबर 10। तो कई बार हम पूरी साड़ी पहन लेते हैं बट एंड में पता लगता है कि हमारा जो शोल्डर प्लीट है ना, वो फर्स्ट प्लीट काफ़ी लूज हो गया है, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे हिप प्लीट्स पे भी, लेकिन आप पूरी साड़ी तो खोल नहीं सकते। तो इसीलिए मैं आपको एंड में कैसे सिक्योर करना है वो बताती हूँ। तो सिंपली आप एक छोटी सी सेफ्टी पिन ले लीजिए, ठीक है। अब इसको यहाँ से टाइट कर लीजिए जितना भी आपको लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आप कोई प्लीट मत बनाइएगा क्योंकि बॉर्डर ऑलरेडी हमारी काफ़ी हेवी है। तो अगर हम कोई प्लीट बनाएंगे ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुड़ करके ना वो मोटा हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा खींचिएगा एंड देन पिन लगाइएगा, और फिर इसको एज इट इज़ रख दीजिएगा। अब देखिए किस तरीके से आपकी लुक इंस्टेंटली परफेक्ट हो जाती है। अब बढ़ते हैं हम लास्ट टिप्स की तरफ, जो कि बहुत यूज़फुल है। कई बार हम ऐसे हेवी बॉर्डर पे जब प्लीट्स बनाते हैं ना, तो सामने वाली जो प्लीट्स की चौड़ाई होती है वो कंधे तक ठीक रहती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाती है बिल्कुल फैल जाती है। तो इसको अच्छे से सेट करने के लिए आपको क्या करना है, जो कंधे पे आपने जो प्लीट की चौड़ाई रखी है ना, उसको चौड़ा करते हुए आप जाइए अपने थाई के पास, और बस घुटने के पास जा कर के उसको थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए, एंड देन एक ऊपर वाली प्लीट को साथ में लेकर के एक पिन लगा दीजिए। फिर देखिए कितने अच्छे से ये सिक्योर हो जाता है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।